नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, करण जौहर अपने प्राइवेट चैट शो में बहुत सारे पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं ऑन एक्टर्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो मैं आज वो करण जौहर से पूछना चाहती हूँ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अ पर्सनल क्वेश्चन कि क्या आप गे हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू एवरीबॉडी? बिकॉज हमारे देश भारत के अंदर होमोसेक्सुअल होना या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना क्राइम नहीं है। सो व्हाई डजंट करण जौहर टॉक अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन? मेरा दूसरा सवाल है एकता कपूर से कि क्या आप लेस्बियन हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओपनली? बिकॉज भारत की जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एंड दिस विल हेल्प द एलजीबीटी कम्युनिटी टू गेट मोर एक्सेप्टेंस इन द इंडियन सोसाइटी। सो ये मेरा सवाल है करण जौहर और एकता कपूर दोनों से, प्लीज एक्सप्लेन योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू पीपल, टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू नो। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, हम सबने सुना है कि करण जौहर कहते हैं कि वो स्टार्स को ब्रेक देते हैं, तो मैं करण जौहर से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया आलिया भट्ट ने कि आपने उसको ब्रेक दिया? क्योंकि आपकी फिल्म करने से पहले वो कोई स्टार नहीं थी, वो सिर्फ महेश भट्ट की दूसरी बीवी की बेटी थी। ऐसा क्या किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि आपने उसको ब्रेक दिया? क्योंकि वो तो एक बैकग्राउंड डांसर था। सो देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि कौन सी चीजें होती है जो आपका क्राइटेरिया बनती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आप ब्रेक देते हैं? क्योंकि आप कभी कहते हैं कि आप सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, और कभी आप सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप अननोन लोगों को लॉन्च करते हैं। सो व्हाट डज सिद्धार्थ मल्होत्रा डू टू गेट अ ब्रेक इन योर फिल्म? नमस्ते।